वेलकम टू अनदर व्लॉग विद पिंकी अली खान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मोस्टली हम लोग बाहर ही जाके गोलगप्पे खाते हैं, लेकिन आज मेरा दिल हो रहा था मैं घर बैठ के खाऊं, और मैं लाई हूँ मामू के गोलगप्पे जोहर से। और इनका जो गोलगप्पों का पानी होता है, मैंने कराची में हर जगह गोलगप्पे खाए हैं, गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं, पानी भी बहुत अच्छा होता है। मेरी कुछ स्पेसिफिक जगह जहाँ से मैं खाती हूँ, लेकिन इनका जो पानी है, मैं कहती हूँ वो नंबर वन पर हमेशा मेरे लिए रहेगा। मैं कराची में सिर्फ तीन से चार जगहों से खाती हूँ। एक तो ये मामू के, इनका जो ये जहाँ लगाते हैं उसके बिल्कुल साथ है लारखाना सज्जी जोहर में, परफ्यूम चौक। तो एक तो ये हो गया, दूसरा रहमान दोराजी, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा था, दोराजी से। थर्ड मैं खाती हूँ मनपसंद डिस्को बेकरी के पास से, और फोर्थ वन एंड ओनली माई फेवरेट आजकल कुलियों वाले अंकल से, जो कि है चिल्ड्रन पार्क के बिल्कुल बाहर। लेकिन जो पानी है वो मेरा सबसे फेवरेट इनका है, जो कि जोहर परफ्यूम चौक पे लारखाना सज्जी के पास है। ये है इनका पानी, ये कुछ, एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये कुछ इस कलर का है। आई डोंट नो मेरी किचन की लाइट इसको इतना डार्क क्यों दिखा रही थी, लेकिन इसमें वो सॉन डालते हैं और पता नहीं क्या, लेकिन इट्स वेरी वेरी यमी। इसका जो टेस्ट है वो बहुत अलग है, बहुत 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 अलग है। आई डोंट नो, अपनी वो कोई सीक्रेट रिवील तो नहीं करता, लेकिन बहुत यमी। जो लोग कराची से हैं, परफ्यूम चौक का जिनको पता है, वो ज़रूर लारखाना सज्जी का जिनको पता है, उनके बिल्कुल साथ ही लगाते हैं अंकल अपने गोलगप्पे, ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। सेकेंड चीज़ मैं सबको ये बोलूँगी, इट्स नॉट दैट के कहीं और से मैंने खाया तो मुझे अच्छे नहीं लगे, द थिंग इज़ कि आपकी टेस्ट पे होता है आपको कौन सा टेस्ट अच्छा लगे। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 50% आवाम जो मेरा व्लॉग देख रही है उनको यही सेम गोलगप्पे पसंद आए जो मुझे टेस्ट पसंद आ रहा है, तो ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन क्योंकि मैं गलत बात नहीं करती, तो ज़रूर जो चार जगह मैंने आप लोगों को बताई है, एक एक दफ़ा जाके ज़रूर ट्राई दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे गोलगप्पे हो गए रेडी, ये खाली गप्पा हैदर के लिए। ये थोड़ी सी चटनी है, पानी है, स्पून मैंने इसलिए रखा है कि कभी गोलगप्पे अगर नहीं खाए जाए तो हम चाट बना के खा लें। तो ये लड़का आधी रात को 3 बजे बाबा के दरवाजे पर, नो मैं नहीं नॉक करूँगी बाबा का डोर। ये लड़का मुझे खींच के लेके जा रहा है, मैं नहीं कर सकती ना, आप करो। नो, व्हाट शुड आई डू, टेल मी, नॉक करो। बाबा चाहिए। पिछले 15 मिनट से मुझे दरवाजे के आगे घसीट के ला रहे हैं कि बाबा को डोर ओपन करवाओ। बाबा भाई थोड़ा स्लो बस चलानी है क्योंकि ये डरता है। मैं इधर ही हूँ। स्टॉप क्राइंग दे दू, क्यों रो रहे हो? तो दैदू इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको येलो कार में बैठना था और येलो कार में ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए थे। क्या हुआ था आपको? हूँ, क्राई क्राई क्यों आ रहा था? हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग हो के हम सारे काम भी ख़त्म कराए हैं। अली को कुछ काम था मॉल में, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन मॉल में है, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे। बस वहाँ से अब हम घर आए हैं, तो हैदर रास्ते में सो गया था और अभी मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में मैं बना रही हूँ आलू भुर्जी। सबसे पहले हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इस शेप में काट लेने जिस तरह आप पकौड़े के लिए काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्ट हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब हम इसे फ्राई करेंगे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, ताकि थोड़े से हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएं। तो हमारे आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं थोड़े बहुत, लाइक 95%। अब हम इसमें 10 से 5 या जितना आप मिर्ची खाना चाहें, आप हरी मिर्च इस तरह ऐड कर देंगे। हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून काली मिर्च। तो हमारी हरी मिर्च अच्छे से फ्राई होगी, अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून
योगर्ट, दही। साथ में हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 teaspoon भुना कटा ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च, 1.5 teaspoon। तो हमारी मज़े की आलू भुर्जी रेडी होगी और ये बहुत मज़े की झटपट रेडी हो जाती है रेसिपी। एंड पे मैंने धनिया भी डाल दिया था, बहुत यमी होती है बहुत। आलू की भुजिया के साथ मैं बना रही हूँ फ्राई मिर्च, जिसके लिए मैंने मिर्च को फिल कर लिया। एक आलू मैंने लिया, उसको मैश कर लिया और नमक मिर्च मसाले सब डाल लिए। ये मेरा बेसन, मैं इसमें डिप करूँगी और इसमें बनाऊँगी। बाय द वे ये मैं एक बना के खा भी रही हूँ और ये मेरे तहदू की नगे। अरे उसमें क्या हुआ इसका बाबा? तो मैंने सैलड कट किया है, साथ पुदीने का रायता है और एक ये स्पेशल है कुछ जो कि अभी गर्म है, मैंने इसको फॉइल चढ़ा दिया था ताकि गर्म ही रहे। इसमें क्या है ये खाने के टाइम आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं इसे खोलूंगी, क्योंकि अभी मैं इसे खोल नहीं रही और ये ठंडा हो जाएगा। इतनी गर्मी लग रही कि मैंने बाल बिल्कुल ऊपर बन बना लिए, एक बाल भी नीचे नहीं आना चाहिए। तो मैंने करी है मिर्च फ्राई, मिर्ची पकौड़ा एंड अनियन रिंग्स। सबसे पहले बाबा की प्लेट रेडी हो गई है, जिसमें है आलू की भुर्जी, मिर्च फ्राई, अनियन रिंग्स, सैलड और रायता। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहे। आज मेरे मुँह से अजीबोगरीब वर्ड्स निकल रहे क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ गर्मी से, हमें बाहर चक्कर लगाना पड़ा, घर आके मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ा और मुझे बहुत गर्मी आज लग रही है और अब मैं खाने लगी हूँ खाना। तो खाने टाइम नो डिस्टर्बेंस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।